आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ऑफ ए बराबर 0.6 और पी ऑफ बी बराबर 0.3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पी ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है ए यूनियन बी के बराबर, यानी कि बराबर होता है पी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। अब हमें दिया कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटना ए व बी के लिए, ए व बी के लिए जो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये मान हो जाएगा पी ऑफ ए का मान है 0.6 और पी ऑफ बी का मान है 0.3, तो 0.6 गुणा 0.3 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 0.8 के बराबर, यानी कि 0.18 हो जाएगा हमारे पास 0.18 के बराबर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अब? अब हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ ए प्लस बी, तो पी ऑफ ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.18, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 0.9 माइनस 0.18 यानी कि 0.72। तो ए प्लस बी की अभीष्ट प्रायिकता का मान 0.72 होगा और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।